कई बार कहा जाता है कि आईपीएल में खिताब जीतने का सफर पहले मैच से नहीं बल्कि नीलामी के दिन से ही शुरू हो जाता है। साल 2018 के आईपीएल सीजन के लिए 169 खिलाड़ियों ने अलग अलग टीम में अपनी जगह बनाई है। कुछ टीम के मालिक ऐसे थे जो कई खिलाड़ियों की नीलामी में जोर शोर से शामिल होते थे। वहीं कुछ टीम के मालिक ऐसे भी थे जो पहले से तैयारी के साथ आए थे और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम आने का इंतजार कर रहे थे। आईपीएल नीलामी के दौरान सभी टीम के मालिकों को फैसला लेने में काफी सोच विचार करना पड़ता है ताकि एक मजबूत टीम तैयार हो सके। अगर कभी नीलामी के दौरान गलती हो जाए तो बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका चुना जाना उनकी टीम के लिए लाभदायक का सौदा साबित हो सकता है। हासिम अमला, साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज अमला को साल 2017 की आईपीएल नीलामी के दौरान आरसीबी टीम ने खरीदने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ हासिम अमला साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज साल 2018 में इस बल्लेबाज को किसी टीम ने नहीं खरीदा। हालांकि आईपीएल शुरू होने में कुछ दिन ही बचे हैं, आरसीबी टीम हासिम अमला को अपनी टीम में बुला रही है, लेकिन हम जानते हैं कि अब यह मुश्किल है। तो वही आरसीबी टीम ने ये भी कहा कि हम हासिम अमला को लेकर ही आएंगे गेम शुरू होने से पहले। ऐसे में ये समझना काफी मुश्किल हो रहा है कि इतने सारे प्लेयर्स के होने के बावजूद टीम के मालिकों ने हासिम अमला पर दांव क्यों लगाया। सवाल ये भी है कि आरसीबी टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में हासिम अमला किस क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे और उन्हें आईपीएल का एक भी मैच खेलने को मिलेगा भी या नहीं। इस टीम में एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकुलम, क्विंटन डीकॉक जैसे खिलाड़ी पहले ही विदेशी कोटे की जगह भर चुके हैं। आरसीबी टीम में कभी भी बड़े खिलाड़ियों की कमी नहीं रही है और आने वाले सीजन में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अगर आरसीबी टीम के मालिक किसी भारतीय खिलाड़ी पर रकम खर्च करते तो टीम को ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन आरसीबी टीम ने हासिम अमला को टीम में बुलाया है। इस टीम में ऑलराउंडर की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में हासिम अमला को टीम में लेने की बात चल रही है। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें।